ग्वालियर सरकार और प्रशासन हुआ मस्त, जनता हुई त्रस्त। वार्ड नंबर 36 गेंडे वाली सड़क पर कांग्रेस पार्टी द्वारा जन जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसमें कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष देवेंद्र शर्मा, सुनील शर्मा सहित कई कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं आज कांग्रेस पार्टी ने पद यात्रा कर जनता की मूलभूत समस्याएं जानी और उन्हें जल्द से जल्द पूरा करने का आश्वासन भी दिया गया। जहाँ एक और बीजेपी सरकार का कहना रहता है कि जनता हमारी भगवान है, क्या चुनाव के समय ही जनता की याद है। जबकि यह विधानसभा बीजेपी के कद्दावर नेता कैबिनेट मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर की है, जहां मंत्री जी का यह कहना रहता है कि जनता ने मुझे चुना है और जनता मेरी भगवान है, पहले जनता फिर मैं। लेकिन वही आज क्षेत्र की जनता काफी समस्याओं से जूझ रही है। क्या मंत्री जी को इसकी आवाज नहीं सुनाई दे रही है या प्रशासन के कानों में जनता की समस्या की आवाज नहीं पहुँच पा रही है? जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बननी है। जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बननी है। बिजली पानी देने से ठीक, वो सरकार निकम्मी है। टूटी सड़कों का निर्माण करो। एवी रोड से लेकर आज पुलिस चौकी सिंधई छावनी गेड़े सड़क तक पदयात्रा के द्वारा हम लोग निकले हैं और जनता बुरी तरह त्रस्त है। पीने का पानी उपलब्ध नहीं है, बिजली के अनाप शनाप बिल देकर अघोषित विद्युत कटौती जा रही है, बिजली के अनाप शनाप बिल दे रहे हैं, उनके कनेक्शन काटे जा रहे हैं। गर्मी, बेहाल गर्मी में जनता के साथ बहुत बड़ा दुर्व्यवहार हो रहा है। सड़क की हालत ये देखिए कि गड्ढे में सड़क है या सड़क में गड्ढे हैं, ये पता ही नहीं चल रहा। आदमी का पैदल चलना दुर्भर है, पानी मिल नहीं पा रहा, सड़क टूटी पड़ी है, बिजली की व्यवस्था ध्वस्त हो गई है और भाजपा शासन मस्त है। मंत्री प्रद्युम्न सिंह का लगातार ये कहना रहता है कि जनता मेरी भगवान है। मैं अगर वो रात को भी बुलाएगी तो रात को मध्य प्रदेश मेरा मंदिर है, जनता मेरी भगवान है। जनता में लठ पड़ रहे हैं, जनता इलाज के अभाव में दम तोड़ रही है, जनता बिजली पानी की समस्याओं से त्रस्त है। काय का भगवान, जनता भगवान है ना, आप देखिए ना। कांग्रेस कोई कड़ा कदम उठा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी लगातार कमलनाथ जी के नेतृत्व में, दिग्विजय सिंह जी के नेतृत्व में, देवेंद्र शर्मा जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जनता की लड़ाई लड़ रहा है। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि एक एक कार्यकर्ता 100 के बराबर है, लेकिन जब भी कोई बीजेपी का बड़ा नेता जैसे कि आता है तो कांग्रेस पार्टी उग्र आंदोलन नहीं। कांग्रेस पार्टी हमेशा गांधीवादी तरीके से नियम के अनुसार चलती है। इस समय कोरोना गाइडलाइन है, हम लोग कोरोना का ध्यान रखते हैं। हमको जनता की चिंता है, कार्यकर्ता की चिंता है, उनको केवल सत्ता की चिंता है। कैनन न्यूज के लिए ग्वालियर से ओमपाल कौरव की रिपोर्ट।